ये राहुल गांधी की आज की तस्वीरें हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के दतिया में पीताम्बरा शक्तिपीठ पहुंचे, धोती धारण की, माथे पर टीका चंदन लगाया, गले में माला धारण की और पूरे विधि विधान से पूजा की। अब चंद घंटे पीछे चलिए और उन्हीं की पार्टी के अंग्रेजी दा नेता और तिरुवनंतपुरम से सोफिस्टिकेटेड सांसद शशि थरूर को सुनिए। ऑन द राम जन्मभूमि एज अ हिंदू ऑब्वियसली आई एम वेरी कॉन्शियस दैट अ वास्ट मेजोरिटी ऑफ माय फेलो हिंदूज बिलीव दैट वाज द स्पेसिफिक बर्थ प्लेस ऑफ राम एंड फॉर दैट रीजन मोस्ट गुड हिंदूज वुड वांट टू सी ए राम टेंपल एट द साइट वेयर राम वाज सपोज्ड टू बी बोर्न But I also believe that no good Hindu would have wanted to see that temple built by demolishing somebody else's place of worship. Congress का आज जो असली चेहरा है, जो हिंदू विरोधी चेहरा है, वो जागृत हो चुका है। ये हिंदुओं को गाली देने का काम कर रहे हैं। यही वो राहुल गांधी हैं, यही वो कांग्रेस पार्टी है, जिन्होंने हिंदुओं को आतंकवादी बताया था, सैफरन टेररिज्म, हिंदू टेररिज्म नामक शब्द का गठन किया था। लीजिए, एक तरफ राहुल गांधी हिंदुओं को मनाने के लिए मंदिर मंदिर माथा टेकते फिर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो वहीं शशि थरूर अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष की मेहनत पर पानी फेरते चल रहे हैं, हिंदुओं को गुड और बैड यानी अच्छे हिंदू और बुरे हिंदू में बांट रहे हैं। उन्होंने सामान्यतः जो सनातन धर्म की और हिंदू धर्म की परंपरा है, उदारता, सहिष्णुता, सबको साथ लेकर के चलने की, उस बात को लेकर के ये बातें कही है। लेकिन मंदिर के विषय में, राम मंदिर के विषय में बिल्कुल साफ है, कांग्रेस चाहती है मंदिर बने, मगर उसके लिए रास्ता सुप्रीम कोर्ट निकाल रहा है। आप राम को चुनावी मुद्दा नहीं बना सकते हो, ये देश के लोगों की भावना का अपमान है, घोर अपमान है। थरूर जी के गुड हिंदू का मतलब राहुल गांधी जी से है। देश में एक अकेला गुड हिंदू है राहुल गांधी जी, और बाकी तो सब बैड हिंदू है। पूरी कांग्रेस की ये मंशा है कि जो विवादित ढांचा जो गिर चुका है, जो खत्म हो चुका है, वो राम जन्मभूमि पर राम को अपमानित करने के लिए दोबारा बनाया जाए। ये इनका पर्दे के पीछे कट्टरपंथियों के साथ मिलकर संघर्ष है। शशि थरूर अक्सर विवादित बयान दे जाते हैं, इस बार भी विवाद खड़ा हो गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ बुरे हिंदुओं को ही राम मंदिर चाहिए? यह सब सड़ा कचड़ा पार्टी है कि भगवान के प्रति भी ये सब के नफरत के हृदय में भरा हुआ है कि किसी तरह से हमारा वोट मिल जाए, हमारा शासन मिल जाए, हमारा व्यवस्था मिल जाए, चाहे भगवान रहे चाहे न रहे, मंदिर रहे चाहे न रहे, इन्हीं लोगों के देन है। नेहरू जी से लेकर के आज तक, कि आज तक से 70 वर्ष तक कोई मुकदमा चलता है। थरू के बयान से बिल्कुल सहमत हैं, उन्होंने जो भी कहा वो ठीक कहा है कि जो है मस्जिद जो है मंदिर और मस्जिद का झगड़ा अगर कोर्ट हल कर दे तो बड़ा बेहतर होगा। कि मुसलमानों ने कभी जो है मंदिर नहीं तोड़ा है, उन्होंने सच कहा है कि मुसलमान कभी मंदिर नहीं तोड़े हैं। राम मंदिर पर कांग्रेस से पूछिए तो जवाब मिलेगा कि कोर्ट फैसला करेगा, शशि थरूर के बयान पर पूछिए तो पार्टी की ओर से चुप्पी मिलेगी, ना इनकार और ना ही स्वीकार। कुछ खेल तो है, लेकिन उस खेल का फायदा कितना होगा ये वक्त ही बताएगा।